तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर और 2021 का साल हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया जाएगा। ये 2020 तो एकदम बेकार साल गया है, तो देखते हैं 2021 कैसा जाता है। और यहाँ पर इसी खुशी में आपके लिए हम आज से 1 जनवरी 2021 से लेकर पता नहीं कब तक एक बहुत ही कमाल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉमेंट्री स्क्रीन रीडर। जी हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो, पहली बात तो इसमें स्पेशल ये है कि वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। एक वीडियो कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट तक होगी। इससे ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना पसंद नहीं करता, आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चाहे 15-20 पार्ट बन जाए, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से कमेंट्री स्क्रीन रीडर के बारे में यहाँ पर सीखने को मिलेगा। पूरी जानकारी दूंगा एक एक ऑप्शन के बारे में। ये एक स्क्रीन रीडर है जो कि टॉकबैक से बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर हमें देता है, तो इसको समझने में आपको ट्यूटोरियल्स तो देखने ही पड़ेंगे, बिना समझे आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में पता है मुझे खो जाएंगे, तो जल्दी से अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज हम कमेंट्री स्क्रीन रीडर की बेसिक सेटिंग के बारे में जानेंगे। जब आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन ट्यूटोरियल्स की नीड थी। तो जल्दी से शेयर करें जिनको भी नीड है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी सिलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर और जान लेते हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर की बेसिक सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, हम अपनी होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और कमेंट्री स्क्रीन रीडर को मैं ओपन करता हूं। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली यहीं से ओपन करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला वेलकम टू कमेंट्री स्क्रीन रीडर, और ये एंड्रॉयड का बेस्ट स्क्रीन रीडर है। ठीक है, यहाँ पर तीन ऑप्शन है। पहला तो है कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड, यहाँ से आप बेसिक सेटिंग कर सकते हैं स्टार्टिंग की, ठीक है, क्विकली स्टार्ट करने के लिए। और दूसरा है परमिशन डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप इसकी जो सारी परमिशन है वो देख सकते हैं और बाद में जाएंगे अभी यहाँ पर, और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको बेसिक परमिशन चाहिए कुछ, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे और परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर जेस्टर थीम आपको सिलेक्ट करनी है, फिलहाल आप डिफॉल्ट ही सिलेक्ट करें, ठीक है। इसमें बहुत सारे जेस्टर्स हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में डिफॉल्ट जेस्टर थीम ही सिलेक्ट करें। ये वो है जो टॉकबैक में होता है, डबल टैप टू एक्टिवेट लॉन्ग प्रेस वाला। इसमें से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको चाहिए या नहीं। तो मैं से यूज इट हिंट्स विल बी नॉट बी रीड पे क्लिक करूंगा। तो ये लिस्ट रेंज है, जैसे वहाँ पर शोइंग आइटम्स, ये जो होता है आप इसको भी जो मर्जी रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे टॉकबैक में मान लीजिए आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेज सुन रहे हैं और आपको पीछे से कोई नोटिफिकेशन आ गई, तो टॉकबैक उसे बोलना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन रीड करे तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन ना रीड करे तो इस पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंगल TTS का अगर यूज़ करते हैं तो वही सब कुछ रीड करेगा, अगर आप डुअल TTS का यूज़ करते हैं तो जो आपकी नोटिफिकेशंस हैं और जैसे स्क्रीन ऑफ, कॉलर नेम, ये सब आप जो TTS सेकेंडरी में सिलेक्ट करेंगे वो रीड करेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल TTS का ही यूज़ करूँगा,
और आपको भी यही रेकमेंड करूंगा कि सिंगल TTS का ही यूज करें। ठीक है, तो सेटअप इज कंप्लीट, यहाँ पर जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम ओके कर देते हैं। तो अब कॉन्फ़िगरेशन विजर हमने देखा, आगे चेक परमिशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से परमिशन दे देते हैं। ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको सारी परमिशन दे दीजिए जो जो ये मांग रहा है। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग विंडो की परमिशन है, ये कर्टन से वर्क करती है, जैसे टॉकबैक में डिम स्क्रीन होती है इसमें कर्टन होता है, इस पर क्लिक करते हैं। ऑप्टेन परमिशंस एंड यहाँ से इसे ऑन कर दीजिए। तो ये होगा नहीं अभी, क्योंकि ये होगा नहीं यार, ये अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी, तो यहाँ पर अभी मैं इस परमिशन को डिनाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो होता नहीं है। ठीक है, तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की परमिशन यहाँ से आप दे सकते हैं कि ये बैकग्राउंड में अच्छे से वर्क करे। ठीक है, इसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन परमिशन भी दे सकते हैं, मैं भी इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके जो है एप्लीकेशन इन्फो में जा सकते हैं, तो यहाँ से इसके अबाउट पेज में जा सकते हैं। तो ये सारी परमिशंस आपको देनी होती हैं। ठीक है, जो आपका मन करे वो आप दे दीजिए, लेकिन ये डेटा वेटा चोरी कुछ होगा नहीं आपका, क्योंकि ये फ़ोन की परमिशन ये कॉलर नेम अनाउंस करने के लिए मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्लोटिंग विंडो की परमिशन अब इसलिए नहीं दी क्योंकि दी नहीं जा रही, और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की मैं किसी भी ऐप को परमिशन नहीं देता हूँ। हालांकि आप अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैक करते हैं, तो ये ऐप ओपन हो चुका है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इतना ही सीखना है आज इसी वीडियो में, तो बैक करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहला ही जैसे कहा कि हम इसकी एक एक सेटिंग के बारे में जानेंगे और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पहले पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जो यहाँ पर क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आपको जनरल सेटिंग्स के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक सेटिंग कर सकते हैं, और आगे बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की वीडियोस, यानी कि इस स्क्रीन रीडर में बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल के ऑप्शन है, तो आगे सभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं ऐसी ही, और उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में भी कह चुका हूं मैं, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।